नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। और आज के इस एमसीक्यू सीरीज का टॉपिक हमने लिया है भारत के प्रमुख नदी बांध से रिलेटेड टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये हमारे भारत के भूगोल का वीडियो सीरीज का नंबर 9 है। अगर आपने इसके पहले के 8 पार्ट नहीं देखे हैं या ट्रिक के हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि भारत के प्रमुख नदी बांध से रिलेटेड हमने ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस एमसीक्यू को भी ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जहाँ कहीं भी भारत का भूगोल पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? यह बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध है तो कौन सा सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध जो है वो भारत में सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अब अगला प्रश्न क्या है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में स्थित है आपका हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। पांचवा प्रश्न लेते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ इसे आपको क्या करते चलना है, बस नोट करते चलना है जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं। बाकी तो चीज़ें जो आपको आती हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है तो क्या करते चलना है? नोट करते चलना है, ठीक है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है आपका कोयना बांध। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, छठा प्रश्न है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर स्थित है आपका अलमाटी बांध। ठीक है, कैसे याद करें, रटिए नहीं बिल्कुल भी। हम लोगों ने इससे रिलेटेड ट्रिक बना रखा है, स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया आप लोगों को, लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? सातवां प्रश्न लेते हैं, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यास नदी पर स्थित है आपका पोंग डैम, ठीक है? आठवां प्रश्न लेते हैं, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी पर स्थित है आपका थीन बांध, ठीक है? नवा प्रश्न ले लेते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये दोस्तों। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी पर स्थित है आपका राणा प्रताप सागर बांध। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी है कि जवाहर सागर बांध और गांधी सागर, इस पर टोटल तीन बांध बनाए गए, एक तो राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। ये तीनों ही बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? चंबल नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बांध को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। दसवां प्रश्न लेते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराकर नदी पर तिलैया डैम बनाया गया है, ठीक है?
नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न है, मैं टूर बांध किस नदी पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर बनाया गया है आपका मैटूर बांध। 12वां प्रश्न लेते हैं, अब दोस्तों देखिए मैटूर बांध अवस्थित है तो किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है आपका मैटूर बांध। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक का वीडियो पहले से ही पढ़ चुका है। 13वां प्रश्न लेते हैं, पोचमपाद बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर स्थित है आपका पोचमपाद बांध। 14वां प्रश्न लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अब दोस्तों लेते हैं 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने लिया था भारत की प्रमुख झीलों का, जो हमारा थर्ड पार्ट था एमसीक्यू सीरीज का, उसमें मैंने आप लोगों से ये कमेंट का क्वेश्चन पूछा था और बताया था कि अगर आपको नहीं आता है तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि होगा भारत के प्रमुख नदी बांध से रिलेटेड, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, बिल्कुल सही है। तिलैया बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, ये बिल्कुल गलत है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, ये भी सही है। और नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पर बना है। तो भैया तिलैया डैम किस पर बना हुआ है, तिलैया बांध किस नदी पर बना है, तो ये है दोस्तों आप लोगों का बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। ठीक है, तिलैया डैम किस पर बना है, बराकर रिवर पर बना है। तो अब आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 16वां प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। 17वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी पर स्थित है आपका उकाई बांध। 18वां प्रश्न लेते हैं, काकरापार बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा सही, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी पर स्थित है आपका काकरापार बांध। 19वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर स्थित है आपका जायकवाड़ी बांध। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 20वां प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी होगा इसका आंसर। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है, प्लस भीलांगना भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के संगम पर है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। ठीक है, भागीरथी प्लस भीलांगना दोनों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगर दोनों में से ऑप्शन में आपको जो भी मिलता है, दोनों मिलते हैं तो दोनों टिक करिए। ऑप्शन में अगर सिर्फ भागीरथी दिया है जैसा कि यहाँ पर है, तो आपको भागीरथी ही टिक करना पड़ेगा। 21वां प्रश्न लेते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी पर स्थित है आपकी तुलबुल परियोजना। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22वां प्रश्न लेते हैं, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया, चाहे सेंट्रल लेवल की परीक्षा उठा लीजिए, चाहे स्टेट लेवल की, हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब 23वां प्रश्न देखिए, नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर स्थित है आपका नाथपा झाकरी बांध। 24वां प्रश्न लेते हैं, मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर, 24वें का प्रश्न क्या होगा, ऑप्शन सी, बराकर नदी पर स्थित है आपका मैथन बांध। 25वां प्रश्न लेते हैं, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
गंगा नदी पर बना हुआ है आपका फरक्का डैम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 26वां प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सोन नदी पर बना हुआ है आपका बाण सागर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 27वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। 28वां प्रश्न लेते हैं, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर बना है माता टीला बांध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न लेते हैं, बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराकर नदी पर बनाया गया है बेल पहाड़ी बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30वां और हमारा अंतिम प्रश्न है, भद्रा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी, भद्रा नदी पर ही भद्रा बांध बनाया गया है। अब दोस्तों लेते हैं आज का हमारा प्रश्न है, कमेंट वाला प्रश्न, कि बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, जिनका भी आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे, बाकी लोग वहां से देख सकते हैं। और जिन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि कल आपको मिल जाएगा, जो कि होगा भारत के प्रमुख नदी बांध से रिलेटेड सेकेंड पार्ट होगा, उस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650 प्लस वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे jobrica.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। तो सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।